भोपाल में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की आम सभा में शामिल होने के लिए सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से मंगलवार को 11 बजे 3 बसों सहित दर्जनों चार पहिया वाहन में भरकर कार्यकर्ता रवाना हुए। रवाना होने से पहले सभी कार्यकर्ता सिवनी मालवा बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से एक साथ सभी गाड़ियां रवाना हुई। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आप पार्टी दिल्ली के मॉडल को आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के समित पटेल ने बताया कि हम पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। नर्मदापुरम जिले की सभी विधानसभाओं में इस बार भाजपा कांग्रेस का नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को टक्कर देगी। उन्होंने बताया कि आज सिवनी मालवा विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। प्रकार का आयोजन है आम आदमी पार्टी के बारे में? आज 14 मार्च को भोपाल के दशहरा मैदान में माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी, माननीय साहब पुरस्कार 2023 का आगाज करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। जिस प्रकार हमने दिल्ली में सरकार बनाई, जिस प्रकार पंजाब में सरकार बनाई, जिस प्रकार गुजरात में 13% से अधिक वाले, उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी हमारे बहुत विशेष सहयोग 11,000 रुपए श्री जिले में स्थिति रहने वाली है आम आदमी पार्टी। नर्मदापुरम जिले में बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी है और हम त्रिकोणीय मुकाबले में रहेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे हमारी विधानसभा की सीटें भी आएंगी और बहुत अच्छे वोट किया रहेगा जनता की। हम लोगों से जो केजरीवाल जी से जो उम्मीदें हैं वो हम लोग पूरी करेंगे।